आज नया ब्लॉग ये चालू करे की आज बड़ा बड़ी रात है, आज बड़ी रात है। तो शब ने सोची है कि कुछ बोल क्या, कुछ मैं क्यों सोची हूँ, फातिहा आज फातिहा दिला रहे, कुछ सोची नहीं, कराना ही है। आज फातिहा दिलाएंगे मरहूमों के नाम पे, सब शबे बरात, कल जो था वो बांट दी हम लोग ने। हाँ कल वो दे दिए माशाल्लाह, जो आज बड़ी रात आज पहन कल रात को इसलिए बांटे कि आज वो पहन के नमाज पढ़े, दुआ करे मरहूम लोग के लिए कि अल्लाह उनकी मदद करे, उनको जन्नत नसीब अदा फरमाए, आमीन। और आप लोग भी सब हमारे लिए दुआ करना। अभी तो शायद ब्लॉग परसों चले, कल जाएगा। जो हम लोग का मसला था, जो हम लोग टेंशन में थे, वो भी थोड़ा हल हो गया माशाल्लाह, आप लोग की दुआ से वो भी हल हो चुका है। बस ऐसी दुआ करते रहिए और हम लोग को टावर में चले जाए और हम लोग को आगे बढ़ाती रहिए इंशाल्लाह। और थोड़ा भी कमर में दर्द है, वो थोड़ा जा रहा नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोग दुआ करना। तो आज ये बनाएगी क्या, रवा? आज मैं बनाऊंगी मीठे में रवा बनाने वाली हूँ और इंग्लिश मुर्गी का सालन बनाऊंगी। तो हम लोग के घर में ना बहुत शौक से, मतलब मेरे अब्बा भी बहुत शौक से खा रहे थे, मेरे ससुरे भी बहुत शौक से खा रहे थे। और मैं, तुम तो हर चीज शौक से कलेजी के साथ, कलेजी हाँ उसी कलेजी दी जाती है। तो वो बनाने वाली, तो उसकी रेसिपी डालूंगी और दुआ, नमाज भी पढ़ना है आज, तो दुआ करो। हाँ और सब खैरियत से रहे, अल्लाह ताला सबकी रोजी में बरकत दे, सबकी मगफिरत करे, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे, जो बच्चे देखते हैं अल्लाह उनकी दुआएं सबकी कबूल करे, आमीन। और हमारी जो सच्चे में हमारी दुआएं भी कबूल करे। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार, सब बाजार लेके आता हूँ, फिर क्या क्या बनाते कैसा बनाते फिर आप लोग को हम बताते, फिर वो बना के आप खा के हम लोग को दुआ दे के बताते। यार लेके आ गया सब, जाके डॉक्टर से दवा भी ले लिया अपनी, अभी दवा खा के बस लेट रहा था कि शब ने बोली कि आ जाओ, सब तैयार हो चुका दिखा दो, तो मैं फौरन आने लगा और देखा तो सब रेडी करके रख दिए, वैसे सेम जैसा सजाई है, इतना मस्त, अभी तो स्टाइल में सजाई है, पहले तो समझो ऐसी वैसी कटोरी में था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत चीज़ें सजाया कि आप लोग को देखने को भी अच्छा लगेगा और बनाने को भी, है ना शब? क्या बोलती है? देखो आज हम बनाएंगे इंग्लिश मुर्गी। इंग्लिश मुर्गी ना बहुत अच्छी लगती है, तो इंग्लिश मुर्गी को धो के भिगा के मैंने रखती हूँ, और इसका ना साथ में ना कलेजी और ये ना अंडे निकलते, तो उसको अलग से रखने का, उसको अभी नहीं डालने का, उसको अपन बाद में जब डालूंगी तब बताऊँगी। तो इसके लिए अपने क्या क्या चाहिएगा, प्याज चार कली ली मैंने, एक इंग्लिश मुर्गी है ये कुछ पौना किलो की मुर्गी है, और इसमें जाएंगे दो टमाटर, और मसाले में जाएगा धनिया जीरा 3 चम्मच, नमक अपने हिसाब से, और 2 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, गरम मसाला 1 चम्मच, और अदरक लहसुन 2 चम्मच, और इसमें आलू जाएंगे तो आलू जितने चाहिए वो, और कोथमीर, और इसमें जाएगा तेल, आप इसमें सब डालती हैं जी बताती हूँ। ये तो वीडियो में समझो ये ज़्यादा दिख रहा है कि लाल मिर्ची इतनी ज़्यादा दिख रही है, हल्दी इतनी ज़्यादा दिख रही है, आप 2 चम्मच ही रखना अपने हिसाब से बनाना, है ना सर? नहीं वीडियो में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, इसके लिए बड़ा दिखता है। चिकन डाल दी, चिकन के अंदर वापस से ये सब अपन बैठा हाँ, ये सालन तुम बनाना बहुत टेस्टी बनता है, जैसा मैं खड़ा हूँ वैसे ये बैठा। ये सब अंदर मिक्स कर दिए, अब इसके अंदर डालेंगे तेल, रंग आ गया अभी से, हाँ, नमक, धनिया जीरा, हल्दी जिसको थी जल्दी तो गिर गई, लाल मिर्ची, अदरक लहसुन, गरम मसाला, तो आलू बाद में डालेंगे, आलू अभी थोड़ी, आलू जब भूनने निकालोगे तब आलू और वो जो साथ में वो है ना कप्पे कलेजी और वो अंडे वो सब डालेंगे, ये सबको अच्छे से सालन इतना टेस्टी बनता है ना, जैसे कि बड़ी रात आज जैसा माफा माफी मांगेंगे सब एक दूसरे से, इला शुभे दूर करेंगे, वैसे चिकन भी अंदर जाके सबसे मिल ली है ना, बोलते हैं जाएगा पानी, हाँ उसको मुर्गी को ना गलने के लिए टाइम लगता है, तो थोड़ा डालना पानी कि जल नहीं जाए, ज़्यादा भी मत धब है ना, मीडियम हिसाब से भरना, तंगड़ी बहुत ऊपर आती है, तंगड़ी बड़ी है ना हो जाएगी छोटी भी, वो सब गलेगा तो सब छोटा छोटा हो जाएगा। अच्छा जो नया कुकर लिया वो पहली बार ऊपर लिया? हाँ फर्स्ट टाइम ओपनिंग बड़ी रात को चिकन के साथ। फिर अब इसमें आप लोग मतलब गोश्त कितना गलाते हैं वैसे इसको भी गलाना पड़ता है, तो सब मीना कुमारी जैसे दिख रही है यार ऐसा क्यों? आज नए कपड़े पहने आज पंजोती पहनती है
रोज मतलब ये पुराना कोरा कपड़ा है, कोरा कपड़ा पहनना पड़ता है। चलो एक कुकर चढ़ चुका है आप मुर्गी, इसके अंदर तल मर रही है कि मुझे बाहर निकालो पक गई हूँ, बाहर निकालो पक गई। लेकिन शब ने बोली अभी नहीं, पहले रवा बन जावे उसके बाद मैं तुमको बाहर निकालूंगी, है ना शब? क्या बोली तूने? रवा बना रही हूँ, सूजी बोलता है, रवा बोलता है। तो उसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए? इसके लिए अपने को ना एक कटोरी घी लेंगे, ना तो एक कटोरी रवा लेंगे, और उसके एक कटोरी बराबर अपन शक्कर भी लेंगे, और इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डालना है। तो अभी पहले अपन ड्राई फ्रूट ना थोड़ा रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। तो थोड़ा सा घी डालती हूँ, दूसरा उसमें थोड़ा सा घी डालने का, और इसके अंदर डेढ़ सब ड्राई फ्रूट का ये सब डाल देने का, उसको थोड़ा रोस्ट करके निकाल लेने का, जैसा मैंने लड्डू बनाया था ऐसा। हाँ थोड़ा, लेकिन ड्राई फ्रूट का रोस्ट करके डालेंगे तो अच्छा लगता है, चमक जाता है, पॉलिश हो गया। अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट हो गया है, अभी सब पूरा निकाल लेंगे। देखो जरा फूल गई है किसमें। अभी यही इसके अंदर घी के अंदर या अपन दूसरा जो घी लिए थे वो पूरा घी डाल देंगे। खुशबू भी आ रही है अच्छी घी है ना। घी को थोड़ा पिघलने देंगे, अंदर आगे पिघलेगा ही ना। थोड़ा गर्म हो लेंगे, मतलब ठीक है। थोड़ा गर्म हो लेंगे, नहीं सूजी, सूजी सूजी को अपन भूनेंगे जब तक उसका तेल अच्छा वो नहीं होगा, खुशबू नहीं आएगी तब तक, जब तक खुशबू सूजी का अच्छा सूजी घी की खुशबू है। अब इसके अंदर जा गई रवा, अब रवे को अपने को भूनने का है, जब तक सूख नहीं जाएगा, नहीं जब तक अच्छा भूना आएगा ना, अच्छा भूनना चाहिए इसको, रवा अच्छा भूना जाएगा ना। तो ये 3 कप है ना पानी लेके एक कटोरे में डाल के रखना, अलग अलग मत डालना, और फिर इसके नाश्ते से इसमें डालना, तो अलग अलग डालेंगे ना तो गच्छे हो जाएंगे। इसके अंदर ही अपन एक कटोरा, इसके अंदर ही अपन एक कटोरा शक्कर डाल देंगे, और शक्कर लगेगी और तो बाद में डालना, जितना मीठा चाहिए चख लेना। हाँ चख लेना। अब इसको देखो, अभी रवा देखो पूरा सूखते जाएगा, पानी पूरा सूख लेगा, अलग अलग पानी डालते हैं ना तो वो रवा ना गट्ठे हो जाता है, तो एक साथ ना कटोरे में 3 माप निकाल लेने का, तो अपने को अंदाजा भी रहेगा और रवा पकते भी जाएगा। गया तो माशाल्लाह तुम गाढ़ा गाढ़ा हो गया, देख के मुँह पानी भी आ रहा है, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा उसको मैं, पाकिया हो जाएगा उसके बाद ही खाएंगे। तो ये देखो जाता है। अब इसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स ना बाद में डालेंगे ऊपर से, वो देख कितना पानी है, तो लोगों कितना आएगा। और आज के दिन है ना बहुत से जान लोग है ना रवा बनाते हैं, रवे के साथ में रोटियां बनाते हैं। हम मेरी दादी जब करती थी पहले, रोटी के अंदर ना से रवा रख के सुबह से फिर पाते थे। हाँ उसको बोलते हैं हरफा भरते। अच्छा अभी हो गया, दम पे रखे अभी वो चिकन का क्या करेगी? अभी चिकन अभी पसीटी गल रही ना, स्लो पे रखी बोले अच्छा, जितना गलेगी उतना अच्छा रहेगा, जल्दी गलती नहीं होगी, चेक करूंगी। ठीक है, अभी वो चिकन जब कुकर से निकलेगी तो कुछ मसाले इसमें डालने के बाकी है, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मसाले का बाकी क्या बाकी है अभी? ये आलू और वो आलू और कलेजी वो सब डाले, जब भूनेंगे ना हाँ तब आलू डालेंगे, तो आलू उसमें फिर बाद में भूनेंगे, जब डालूंगे आलू खिचड़ा हो जाएगा। तो कुछ उसका सामान है चुका है जो डालना बाकी है, और चिकन अंदर से बोरी के वो तो दे दो तो मेरे को थोड़ा मजा आ जाए, है ना? तो डालेंगे तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और मैंने अभी कुकर में से निकाल दी हूँ, और उसको अभी भूनने के लिए रखी हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, कुछ चमक आ गई है तो एक दूसरा सो है, उसके लिए मैंने नहीं उठाई। अब इसके अंदर कलेजी और ये इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे, और इसके अंदर आलू भी डाल देंगे, तो ये भूनते रहेगा। अच्छी तरी भी छूटेगी, इसको सिलो आने पकने देने का, तो माशाल्लाह अपना सालन रेडी हो जाएगा। ये डाल देंगे, थोड़ी पकेगी फिर लास्ट में भी एक कोथमी डालेंगे। माशाल्लाह सालन एकदम परफेक्ट, थोड़ा भुनाएगा अच्छा, फिर आपको बताती हूँ। मैंने बहुत दर्द था, गोली खाया सो गया था, मैं थोड़ा अभी उठा देखा तो पक चुका है, तो सब बोलिए जा दिखा दो, मैंने थोड़ा निकाल ली हूँ, तुम सो गए थे तो
तो पूरा पक गया तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसा पका है। क्या बोले शेफ? ये आलू मैंने डाल दिए हैं, वो आलू ना माशाल्लाह देखो गल गए हैं, आलू गल गया है। अब इसके अंदर अपन कोथमीर डाल देंगे, मतलब हरा धनिया, मैं कोथमीर बोलती हूँ उसको। और इसके अंदर अपन पानी ऐड कर देंगे, जितना जितनी ग्रेवी चाहिए, पतला चाहिए तो हम लोग को पतला सालन पसंद है तो हम लोग पतला सालन इसमें थोड़ा नमक चख लेना कितना लगेगा। अब इसको जोश आने तक ना पकाएंगे। मेरी ग्रेवी हो गई तो पक गया, खत्म हो गया, रवा बन गया, सब हो गया माशाल्लाह। चावल गरम गरम बनाएंगे और बैठ के खाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसा पका है, कि आप लोग भी ट्राई करके पका के खाइए, है ना? ठीक है ना? तो मैं नमाज पढ़ के जब घर पे आया तो देखा कि शब पातिया दे रही है और नमाज नमाज उसने पढ़ ली। इतने में सुफियान भी आ चुका है। मुबारक हो, बड़ी रात मुबारक हो। और इधर निदा भी आ चुकी है, लेकिन निदा बच्चे जोहान के साथ है। इसके लिए जोहान 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 के साथ है। और यहाँ पे मोहन हो रहा है, पातिया हो रही है। फिर पाते होने के बाद खाना खाएंगे, देखते कैसा बना। क्या अभी मैं आपको खाना टेस्टी कर रहे हैं। हलवा खाए पहले, मीठे से शुरुआत। अभी थोड़ा खाऊंगा, खा रहे पेट खा रहा है, बोलो ना, झूठ क्या बोल रहे नहीं अभी खा रहे झूठ। ये मेरी कलेजी, हाँ इनकी कलेजी, मुर्गी की कलेजी। और इन्हीं वाला मुँह में जा रहा है, देख अपने से लंचा के खाते सामने वाले मुँह में पानी आ जाए। नजर लगेगी अब्बा को तो बोलेंगे नजर लग गई मेरे को, दिखा दिखा के खा रहे। चलो अभी खाना तुम लोग का बिछाती फटाफट। हाँ तो तुम बोलना, तुम बोलना फिर। तो मेरा खाना हो चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना था, मैं तो दबा के खाया। अब मुझे आ रही सुस्ती, तो मैं सोचता हूँ नीचे चले जाऊँ, अब बाबा को पत्ते देख लाओ तो सुस्ती मिट जाए। और सुखी बकरा मेरा और निदा सुफियान खा रहे माशाल्लाह, उनसे पूछता हूँ मैं कैसा बना। बहुत टेस्टी बना है, बहुत यम्मी बना है, बहुत लाइट है, फटाफट डाइजेस्ट है ना। हाँ तो डबल ले जाना उसमें, क्यों है ना, वो है। तूने बहुत मेहनत किया सिखाने में, इसने कितनी मेहनत किया तेरे को सिखाने में मालूम। अच्छा बना फिक्स है, वो भी देसी नहीं देसी से इंग्लिश है, आज इंग्लिश है। हाँ तो घर की कुछ खाई पी रही थी, थोड़ी कमजोर, थोड़ी कमजोर टाइप की थी। बॉयलर जाड़ी वाइट होती है, देसी तीन होती है, इंग्लिश वाइड होती है और कली लंबी होती है, कलरिंग होती है। बॉयलर तेरी ऐसी मोटी रहती है, इसकी ऐसी मोटी। हाँ जिसको नहीं, वो फार्म पे जो इंजेक्शन है ना, वो दवाई देके जो बड़ा करते हैं वो बॉयलर मुर्गी होती है। तो चलो ये लोगों को पसंद आ गया तो वीडियो भी नो आज एंड कर दो वीडियो तुम। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो पहले कमेंट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।